6 जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर आश्रमनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राज्य अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, 1 हिंसा ना करना, 2 सदा सत्य बोलना, 3 चोरी ना करना तथा 4 संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरुम्बिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जैन विजेता, अरिहत, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पिता जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश ददीवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। पृष्ठ 10। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है, 1 सम्यक दर्शन, 2 सम्यक ज्ञान और 3 सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तीय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवश, चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्वती पाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव प्रथम, सांड, अजीतनाथ द्वितीय, हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, सपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्ट नेमी 22वें शंख, पाशव 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। नोट, दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन संगीतियां। संगीति प्रथम वर्ष 300 ईसा पूर्व स्थल पाटलिपुत्र अध्यक्ष स्थूल भद्र। संगीति द्वितीय वर्ष 6 शताब्दी स्थूल बल्लभी गुजरात अध्यक्ष क्षमा श्रवण।